पिंकी जी, आपका एक नारा वायरल हो रहा है, तेल लगा लो डावर का, नाम मिटा दो बावल बावर का। उसके परिपेक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे, किस परिपेक्ष में हम तो लिया? शुरू से कहते आ रहे हैं बाबर था क्या। बाबर एक क्रूर आक्रांता था, वो हमारे देश पर केवल और केवल कब्जा करने आया था। हमारी प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी हैं, हमारे जितने मंदिर हैं, उनको सबको तोड़कर और हमारे सभी मंदिरों को तोड़कर उसने मस्जिदें बनाई। हमारे कितने हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, एक तरफ से वो कत्ल करता चला गया हमारे हिंदू भाइयों का। हमारे कितने हिंदू भाइयों ने अपना बलिदान दिया है। हम ऐसे आदमी, ऐसे क्रूर बाबर को और उसको मानने वाले लोगों को, इस देश में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और हम अपने सभी मंदिर मुक्त कराएंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। और अगर अपना बलिदान भी देना पड़ा तो हम बलिदान देंगे, लेकिन अपने जितने भी मंदिर हमारे हैं उन्हें हम छुड़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे, ताकत के साथ। हमारी रणनीति चल रही है हम ताकत के साथ का। किन किन इमारतों के लिए या किन किन मंदिरों के लिए आप रणनीति तैयार कर रहे हैं? एक तो ताजमहल के लिए कर रहे हैं, एक हम लोग जो है ये कुतुब मीनार के लिए हम कर रहे हैं, एक एक मथुरा के लिए हम कर ही रहे हैं, और उसके बाद ये जो क्या नाम है इलाहाबाद में जो किला है वहां हमारा मंदिर है, उसको हम पूर्ण रूप से उसको मुक्त करेंगे। हम कहीं भी किसी भी बाबर का, औरंगजेब का, इनका कहीं भी इस भारत भूमि पर हम नाम नहीं सुनना चाहते, जिसने कत्लेआम किया हो केवल एक ही मंशा से कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति समाप्त करने की मंशा से। तो हम उन लोगों को उसी ही मानसिकता से, उन्हें उन ऐसी सोच वाले लोगों को यहां से भगाने का काम करेंगे। हम लोग किसी भी सूरत में इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एक भी मस्जिद तोड़ी हो, एक भी मदरसा तोड़ा हो, आप बताएं हमें। इन्होंने सारे मंदिर हमारे तोड़े, हमारी देवभूमि, हमारे शिवालय जिस तरीके से इन्होंने टारगेट करके तोड़ा, अब वो स्वयं हमें दे दें अच्छा रहेगा, ये ठीक नहीं है। आपका इशारा कहीं बाकी मथुरा और जो ज्ञानवापी चल रहा है उसकी तरफ है? बिल्कुल है, ज्ञानवापी तो हमें मिल गई है, आप ये मानिए, वहां शिवजी हमारे मिले हैं। इनकी कैसी मानसिकता है, ये जो वजू करते हैं, अपने शरीर की जो गंदगी है थूकना है, अपनी गंदगी निकाल कर और हमारे शिवलिंग पर जाना, इससे घोर अपराध कुछ इस देश में हो नहीं सकता। और ऐसे इनके मुगल काल में इन्होंने जिस तरीके से हमारी प्राचीन धरोहर, हमारे मंदिर जिस तरीके से तोड़कर कब्जा किए हैं, सभी में हमारी मूर्तियां मिलेंगी, हमारे भगवानों की मूर्तियां मिलेंगी, सभी में शिवलिंग मिलेंगे। विष्णु जैन जी, आपका केस लड़ने की बात कह चुके हैं, तो क्या लगता है, मतलब आपको समर्थन मिल रहा है? विष्णु जैन जी हमारे भाई हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरा जो केस था जंतर मंतर वाला, उन्होंने मुफ्त में लड़ा, उन्होंने मुझे बहुत ताकत दी। और ऐसे जो वकील हैं जिन्होंने इतनी ताकत के साथ ज्ञान व्यापी का मुकदमा लड़ा और पूरे देश के सामने उन्होंने जो सच्चाई दिखाई है, वो हमारे भाई हैं और पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। कहीं भी उन्हें कोई परेशानी नहीं आने देंगे, उन्हें सच्चाई सामने लाने के लिए जितनी भी ताकत, उन्हें ताकत की आवश्यकता होगी। हम लोग सभी हिंदू, पूरे भारत के हिंदू सभी विष्णु जैन जी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।